हेलो, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो करें आज का ब्लॉग स्टार्ट। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। मैं दृष्टि रावत न्यू ब्लॉग के साथ हूँ तैयार, और आप देते रहो मुझे ऐसे ही प्यार। दृष्टि तैयार हो जाओ बेटा। क्यों? जाना है सदर, जाना है तो फटाफट तैयार हो जाओ, लेट हो रहे हैं। सदर? हाँ, चलो फिर चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं सदर मार्केट। देखो अभी हम हैं टॉय शॉप्स में, और मम्मी इधर से हमें कुछ नहीं बाय करना। नहीं, आगे से चलते। क्या है? क्या आगे से? हाँ, अभी देखते शूज वगैरह, बैंगल्स वगैरह मिलती हैं, या क्लिप वगैरह, रबर बैंड, या टॉय की भी है यहाँ। कितने सारे टॉयज हैं। देखो मम्मी यहाँ पे बैंगल्स बाय कर रही है। देखते हैं कि मम्मी क्या बैंगल्स बाय करते हैं। कितने करप्शन से देखो, देखो अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो साइड में आके यहाँ गाड़ियाँ मार जाती है, साथ में देखते हैं। हाँ देखो, कैसी पतली सी गली है ना बहुत। ये तो ठीक है फिर। देखो मम्मी यहाँ पे बैंगल्स बाय कर रही है। देखते हैं कि मम्मी क्या बैंगल्स बाय करते हैं। कितने करप्शन से देखो, देखो अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो साइड में आके यहाँ गाड़ियाँ मार जाती है, साथ में देखते हैं। हाँ देखो, कैसी पतली सी गली है ना बहुत। ये तो ठीक है फिर। चलो फिर चलते हैं आगे। टॉयज मतलब टैडीज टंगे इधर, देख ही सकते हो आप। और मम्मी अभी यहाँ पे शॉप कर रही है, मास्क कर रही हो जो मम्मी कर लेती है शॉप। मैं भी अभी पहुँच रखे हैं टैडी मार्केट में, देख सकते हो आप। इधर टैडीज है, अच्छे लग रहे हैं ना। इधर देखो, ये देखिए क्या है, पर्स बच्चों के। हाँ बच्चों के लिए पर्स है, और ये बड़ों के लिए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उन्हें ये ला के दिए, पहले वो फिर ये, है ना। ये देखो, ये टॉयज की शॉप यहाँ पे अंदर है। टॉयज की शॉप, यहाँ पे भी कितने सारे टॉयज हैं। हम कोई टॉयज खरीदोगी हैं? देख रहे हो, किचन सेट खरीदना। चलो मम्मी जाइए टॉयज की शॉप में। तो फ्रेंड्स, अब मम्मी यहाँ पे खरीद रही है चूड़ियाँ। सनी मम्मी हमारे लिए डैडी शॉप पे या खिलौने वाले शॉप में क्या खरीदेंगी, क्योंकि इतनी देर से मम्मी अपनी शॉपिंग करने में लगी हुई है। आप सभी को यहाँ पे ब्राइडल्स के लिए, मीन दूल्हनों के लिए चूड़ा मिलता है, चूड़ियाँ मिलती हैं, और मेहंदी का जो ज्वेलरीज पहनती हैं, और शादी के लिए भी, और चांदनी चौक में आपको लहंगे वहंगे मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ज्वेलरीज और कुछ भी, देखो मेहंदी का खरीदना हो या हल्दी का खरीदना हो, जब इधर आओगे तो वो आपको मिल जाएगा। कपड़ों के लिए आपको चांदनी चौक जाना है, कपड़े वहाँ पे अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे। देखो मैं कुछ देख सकते हो, तो शादी आदि इधर आ सकते हो। इधर चूड़ा मिलता है, ब्राइडल्स देखो यहाँ पे ज्वेलरी भी मिलती है ब्राइडल्स के लिए, और कॉस्मेटिक्स का सामान मिलता है, टॉयज मिलते हैं, और यहाँ पे मतलब कई चीज़ें मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कॉस्मेटिक्स के सामान तो इतने हैं, क्या बताऊँ। देखो ब्राइडल्स के पर्स और नॉर्मल पर्स भी मिल जाते हैं आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए। खाने पीने की चीज़ यहाँ पे देखो, बिग्स भी मिलती है, नकली बिग जो पहनती हैं लड़कियाँ जिनके बाल छोटे होते हैं, और देख सकते हैं।
क्लिप्स, क्लचर और जो की चेन, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और चेन भी मिलती है ना कि जैसे बहुत सारी चीज़ें पे मिल जाएंगी कॉस्मेटिक से। किचन ग्रोसरीज भी मिलती है, और ये हमारा क्या है किचन थिंग्स बाई करने, मेरे को बताइए जो काम सा हो रहा है तो अच्छी आ जा रही है मेरे को। मैं वो बता पाती है सर को आवाज़ से बहुत पतली रो रहा था, बोलिए मतलब गली जैसी है, बट सामान इधर बहुत ही देख सकते हो। लास्ट टाइम आप घूम नहीं पाए थे, टाइम ज़्यादा हो गया था और बहुत टाइम पंजाबियों का प्रोग्राम हो रहा तो हम अंदर भी नहीं जा पाए थे, अंदर नहीं जा पाए थे। आज मैं आपको अंदर लेके चलूँगी, ठीक है? चलो फिर चलते हैं, धूप बहुत तेज़ हो रही है, पर वहाँ जाके सब छाया होने वाली है। वैसे भी होने वाली तो है, पर अभी तो थोड़ी देर बैठेंगे कहीं भी छाया में, फिर आपको थोड़ा अंदर घुमाती हूँ, ठीक है? मैं पहले सोच रही थी कि मम्मी मुझे चांदनी चौक लाइए कि सामान लाना है कि दोबारा, पर देखा फिर मम्मी ने बोला कि लाल किला घूमना है, अच्छा लगा यार। लास्ट टाइम मैं भूख मतलब मेरे को ना जाना था इसमें, ये मेरा सेकंड टाइम है या फर्स्ट टाइम है लाल किले के अंदर? लाल किला आपका फर्स्ट टाइम? लाल किले मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है हमारी एंट्री वो भी लाल किले में, खुशी हो रही है लाल किला देखकर। तो फ्रेंड्स देखो ये पर्दो लोगों के घर से पर्दे ईद मिलन मेला है। अच्छा ईद मिलन मिलन मेला है, इसके अंदर से हमें जाना है, फिर इधर से ये हमें धक्के मार के बाहर निकालेंगे। चलिए अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए है। सबके लिए मतलब मेरे लिए भी होगा अंदर जा सकते, इधर से जाए एंट्री यही है एंट्री। चलो मैं इसमें नहीं बैठूंगा और तुम मुझे इसी पे बिठाओगी, मुझे पक्का है। मैं बैठा के घर चली जाऊंगी। पता है मुझे ना इस पे ना वो करने पे तो झूलने में तो मजा आता है, मगर डर लगता है कि नहीं ना रुक ना जाए कहीं। बेटा आप बड़ा वाला नहीं झूल पाओगे, बड़ा वाला बहुत हैवी है। हैवी है मीन मतलब हम लोग डरते तो आप तो अलग अकेले नहीं कर पाओगे उसमें। वो कप वाला झूलेंगे, कप वाला ड्रॉप डांस। कौन सा ड्रॉप डांस में? झूला और हम उतर चुके हैं झूले से नीचे, बहुत डर लग रहा था मेरे को देखना। यहाँ पे एक तो यहाँ पे दो रिंग बीन्स है और एक ये अलग से ही मेला लग रहा है, यहाँ पे ईद का मेला है ये तो इसीलिए अलग अलग वो है पार्टीशन में अलग अलग। हाँ अलग अलग मेरे अलग रखे हैं। मम्मी कुछ लिया आपने आज से? यहाँ से क्या, यहाँ से झूले 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 झूल लिए। अब चलिए दूसरे वाले में जाने का टाइम नहीं, ज़्यादा टाइम हो चुका है, घर को जाना है। पास में होता तो घूम लेते। हाँ चलो चलते हैं अब घर की ओर। आ रहा है घर की तरफ। फ्रेंड्स जो दिल्ली में रहते हैं ना उन्हें तो पता ही होगा लाल किला में रात को क्या होता है। अरे भूत की बात नहीं कर रही हूँ, ये देखो कितनी सुंदर लाइट से जल रहा है, ये पता है कितना सुंदर लग रहा है, रात को कितना चमकता होगा यार। हाँ लाइटिंग चालू हो गई है, अंधेरा होने जा रहा है। हाँ अरे इसकी लाइट कौन जलाता होगा यार, इसकी ड्यूटी लगी है बेटा। अभी आ चुके हैं लाल किले से बाहर, तो अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी है। देख सकते हो आप ऊपर मेरे मतलब आसमान में देख सकते हो कि इतना अंधेरा हो चुका है। अब हम जाएंगे घर, आप सभी को मिलते हैं हम घर पे। तो फ्रेंड्स मम्मी और मैं आ चुके हैं घर, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे, एंड आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय। मम्मी को और लाल किले को देखकर एक गाना याद आ रहा है, चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा बनाया तेरा। नहीं इसका 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 पता हूँ क्या है, भैंस हिप्पोपोटामस।